पवन सिंह भैया अगर हमको बोलेंगे आके फ्री में मेरा जूता साफ कर, तो मैं जाके पवन भैया का जूता फ्री में साफ करेगा, एक पैसे नहीं लेगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। गजब का एक्टिंग भी करते हैं आप। और खेसारी भैया का भी बोल रहा हूँ, खेसारी भैया अगर एक बार बुलाएगा ना, भैया जूता साफ करके बोलेगा भैया एक बार दर्शन करा दो। खेसारी भैया ऐसे डर कमर लचका के क्यों बोल रहे हैं? अरे खेसारी भैया का वो बॉडी और वो स्टाइल मजा आता है। अरे ऐसे ऐसे डांस वो किया है ना, कैसे कैसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे डांस किया ना, वो बड़ा मुझे मजा। मैं मुर्गा भी काटा, लकड़ी भी काटा, बकरी भी काटा। अभी हमारे साथ रातों रात वायरल हुए मनी मेराज हैं, जो अपना जलवा आकर बिखेर रहे हैं सोशल मीडिया पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप मेरे पास है और आपको दर्शक को मैं प्रणाम करता हूँ, हमेशा प्रणाम करते रहूंगा। दर्शक लोग बहुत मुझे प्यार दे रहे हैं और बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, और भगवान तो मुझे आशीर्वाद दे दिए हैं, तो दर्शक भी आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यानी सोने पर सुहागा, मजा और आ रहा है कि चलो दर्शक मुझे इतना प्यार दे रहा है, इतना दुलार दे रहा है। अच्छा, मुर्गा काटते काटते इतना स्टार कैसे बन गया? अरे भैया मैं मुर्गा भी काटा, लकड़ी भी काटा, बकरी भी काटा, ये तो हम नहीं करेगा, जो किया वो किया। हाँ तो कैसा शुरुआत किया आपने? शुरुआत देखिए, पहले जब छोटा था तो लकड़ी बारा, पतई बारा, खूटी बारा, बकरी चराया, बकरी लेकर गया। जब जैसे मेरे घर पे मुर्गी आया तो मैं बोला चल अब बस मुर्गी मैं भी काटेगा, अब दो पैसा कमाएगा। तो मुर्गी काटते काटते मैंने मुझे अच्छा लगा, पैसा आने लगा तो अच्छा लगा, तो मैं बोला चलो अब मुर्गी काटेगा। अच्छा, मुर्गी काटते 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 कितना रुपये कमा लेते थे? डेली का मुर्गी काट के 1000 रुपया आ जाता था। हाँ डेली। अच्छा, तो कॉमेडी कैसे बनाने लगे? कॉमेडी बनाने लगा जब भगवान का आशीर्वाद मिल गया, बच्चे लोग मेरा बहुत वीडियो, मैंने मेरा ही खुद का बच्चा वीडियो देखने लगा, देखने हाँ देखने लगा। उसके बाद से मेरी वाइफ बोली कि हाँ वीडियो बनाते हो मानी मेराज हो? तो अकलोल बकलोल आदमी को क्या मालूम है मानी मेराज कौन है, क्योंकि मैं दूसरा फील्ड में था और दूसरा मैदान में था। तो मैं बोला ऐसा बात है, मैं मनी मेराज हूँ। तो मैं रियल का मैं मजाक करने लगा, औरत से मजाक करने लगा। मजाक करते करते कैसे मजाक किए? मैं बोला हम मनी मेराज हैं। कोई हम मनी मेराज? तो वो कही कि बहुत बड़ा पैसा कमा लो, बहुत हीरो बनल बड़ा, हमारा के भूलिया हो तो हम बकलोले हैं, लेकिन हमारा के उतना बकलोल मत समझो, मैंने मौगी है कोई लिसन ना बकलोल है हमारा के मत समझो, कोई लिसन हम बकलोल है हमारा के बकलोल मत समझो, लेकिन ये कहीं मेहरा रू के लेडीज के औरत के मैंने एक टाइप होला ना ऐसा कर लो ना साला दिल मैंने फाटे लगे ला कहानी की रुका मिलल बा मौका खूब मजाक कर मजाक करे लगनी। और सीरियस में कहे कि पैसवा कमा तरह मुर्गिया काट के नहीं कमा तू, अब वीडियो बनाओ तरह मैंने बाहर देश में मैंने मुर्गी काटत काटत कोई गो स्टेप हमारा मिल गए, मैंने मेहनती बहुत रहनी साला जोन काम मिले कोई दी। हाँ मैंने जब देखनी मेहरारू मजाक करे लगल, हमरा के बकलोल समझत रह, हमरा के पढ़ाई में तू, हम कनी क्या पढ़ाते तो मनी मेराज हो, हम कहीं ये के हो तो भेज देखा दी हमरा के जानत रहो, हम कनी ठीक बा देखा हम के जैसे हमरा व्हाट्सएप पे भेज लो तो हम देखनी तो सही कौन आज पा ई का हो गए हे भगवान भगवान के कौन यार भाई का हो गई तो सही मोहम्मद जैसे ये आदमी बा, मैंने हम तो जान गनी हमरे जैसे बा, लेकिन लइकवा और अतिया हमरा घरवा के लोग ना जानल कि हमरे जैसे बा, वो जानल कि मोनी मेरा जॉब मार पैसा कमाता भेजता कमाता भेजता। ओकरा बाद हम एक के बार देखनी रसगुल्ला लिए नी कंपनी में बांट देनी सबके, आ तब आदमी पूछल का अरे कार बाग साला तेरे मोनी मेरा जी, अब लगला सन सर्च करके देख हो रे भाई ते मोनी मेरा जो मोनी, आ जोन हमार दुश्मनवा रहला सन जोन कुर्सिया लेबे वाला वो तो फर दे कॉल सन जो एकदम एकदम तहलका मचा देवे। अब वो जैसे छोड़ के आई नहीं घरे बीमार उमार पड़ गई ओकरा बाद से अब घरे आई नहीं निकलनी, तो मैंने दर्शक लोग दर्शक तो भगवान का आशीर्वाद हो बोलो, अब सलमान खान के डुप्लीकेट, अजय देवगन के डुप्लीकेट, मैंने पवन सिंह सर जी के मैंने बहुत स्टार के मैंने डुप्लीकेट के सपोर्ट कर लो, तब हम आशा कहनी कि करियो लो, तो हम एगो मीडिया वाला 200 फॉलोअर रहन बेचारा, तो वो कहलन कि आव इंटरव्यू ले, तो हम कहनी चल ले लो, तो इंटरव्यू जैसे ले लन तैसे हमार वीडियो 3.5 मिलियन पहुंच गया। अरे बाप रे, अब लगनी अब हम मेहनत करे कि चक्कर आ गया होगा, चक्कर तो आइए सही कहते मैंने केहू के अगर एगा आशीर्वाद मिलो दर्शक एगा प्यार दे लो, केहू कहीं के दर्शक होके कहीं के आदमी होके अगर केहू के चेहरा बा
तो मैंने आशा करे ला कि हमरो के कुछ जल्दी जल्दी मैंने वायरल कर दलो, हमरो को तनी बटनवा टिप दलो, बटनवा टिप ले मैं का बोलबा, जैसे हमरो लगे वीडियो आला हम शेयर करनी हर आदमी करे ला, तो दर्शक लोग मैंने इतना आशीर्वाद दे लो, लोग प्रणाम करते नहीं हमेशा प्रणाम करत रहे तो अच्छा इतना वायरल हो गया, गाँव में जाते हैं लोग क्या बोलते हैं? लोग देखिए कहीं भी चला जाऊं कोई भी एरिया में, या आपका जो दर्शक देख रहे हैं भैया दिल से बोलिएगा और दिल से मुझे आशीर्वाद दीजिए दीजिएगा और प्रणाम मैं करता हूं आप लोगों का, आप लोग का दर्शक से पूछ लीजिए मैं देखने में कैसा लग रहा हूं, अगर मानी महाराज के जैसे लग रहा हूं तो हमको लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, और नहीं तो आप लोगों का जूता मेरा सर। समझ गए? अगर ये भी बात बोला, अगर किसी को भी अगर चेहरा बना के अगर करना होता तो बहुत सारे दुनिया में लोग पड़े हैं, लोग अपना चेहरा अजय देवगन का, सलमान खान का, शाहरुख खान का, या अमिताभ बच्चन का, या अभिषेक बच्चन का, या पवन सर का, पवन सर का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और खेसारी सर का। सबसे पहले भोजपुरी में हमारे पवन भैया है, पवन भैया के अलावा मैं किसी को पावर स्टार नहीं, पावर स्टार मैं सोचता हूँ, पावर स्टार अगर एक बार मुझे भुला लेते ना, एक बार दर्शन हो जाता ना, तो समझता कि मैं भगवान से आशीर्वाद लेके मिल गया हूँ। समझ गए? हाँ। देखिए खुशी में पवन सिंह के फैन पागल हो चुके हैं। पवन भैया का तो मैं जो एकदम हर चीज अच्छा लगता है, क्या स्टाइल है, क्या बॉडी है, एकदम ताकत लगाता है ना, मेरा भी जिंदगी मन करता है कि हम भी कहीं किसी को मारे। अच्छा आपके गांव के लोग जो विरोधी होंगे वो क्या बोलते हैं? अरे विरोधी का तो मिर्ची लगता है, धुआं निकलता है, आगे से पीछे से निकलने दो, जो विरोधी है वो तो कभी भी सोचेगा अरे साला ये कैसे आगे जाएगा तो हमको बर्बाद कर देगा। भैया लोग आप बताइए, जो एक्टर है जो एक्टिंग करेगा वो लोगों को हंसाएगा कि किसी को बर्बाद करेगा, दुश्मन है उसको भी प्रणाम करेगा, जो मुझे कमेंट में गाली देता है हमको हंसी आता है उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ। भैया अच्छा है कि आप कमेंट में गाली दिए, या आप सोच रहे हो कि मणि महाराज का कुर्सी ले लेगा तो गाली दे रहे, तो भैया गाली देते रहो, ऐसे आशीर्वाद देते रहो, मैं सोचता हूँ जो गाली देता है वो भी मुझे आशीर्वाद ही दे रहा है। अच्छा मणि महाराज से भेंट हुआ है कि नहीं? हाँ, 1.5 किलोमीटर तक चला गया था, 1.5 किलोमीटर बाकी था। अब 1.5 किलोमीटर के बाद जैसे मैं कॉल लगाया, मैंने उनसे नहीं उनके आजू बाजू वाले आदमी से, तो पता लगा दिल्ली है। मैं बोला दिल्ली है तो चलो, वो फिल्म कोई निकाल रहे हैं उसका शूटिंग कर रहे हैं, तो आदमी लोग बोला चलो घरवा देखो, अब घरवा देखोगे देख के क्या करेगा भैया, घर तो मोबाइल में देख रहा है ना, वीडियो में देख रहा है ना, तो घर जाके देख के क्या करेगा, मनी भैया से जाएगा मिलेगा, अगर वो मेरी शर्त को मंजूर करेंगे कि हमको काम करना है, साफ सुथरा काम करना है, अच्छा साफ सुथरा वाला रोल मुझे चाहिए, मुझे ये गाली गलौज वाला मुझे नहीं दीजिएगा, ऐसे अगर कोई भी तैयार होगा मैं किसी के पास भी जाएगा काम करने के लिए। काम करना है, लेकिन अगर पवन सिंह भैया अगर हमको बोलेंगे आके फ्री में मेरा जूता साफ कर, तो मैं जाके पवन भैया का जूता फ्री में साफ करेगा, एक पैसे नहीं लेगा, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। गजब का एक्टिंग भी करते हैं आप, और खेसारी भैया का भी बोल रहा हूँ, खेसारी भैया अगर एक बार बुलाएगा ना भैया जूता साफ करके बोलेगा भैया एक बार दर्शन करा दो। खेसारी भैया ऐसे डर कमर लचका के क्यों बोल रहे हैं? अरे खेसारी भैया का वो बॉडी और वो स्टाइल मजा आता है, अरे ऐसे ऐसे डांस वो किया है ना, ऐसे कैसे भैया, हाँ ऐसे ऐसे डांस किया है ना, वो बड़ा मुझे मजा आता है।